नादरीन असल वरहमल वरक आज खुलासे कुरान मजीद की नस्बत से हमारा दूसरा पारा है तो दूसरे पारी की चीदा चीदा आयात का हम मतलब करेंगे पहले रुको के अंदर एक अहम आयत हमें किबले की तब्दीली से मुताक मिलती है किबले की तब्दीली का हुक्म एक बड़ा हुक्म था रसूल्लाम जब मक् तो बैतल्ला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे जब आप मदीना तशरीफ ले गए तो आप ने देखा कि यहूद मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने भी मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी और तकरीबन साढ़े सोलह माह तक रिवायात में हमें मिलता है कि मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी बैतल्मस की तरफ बाद में अल्लाह अल्लाहजल ने आयात नाजिल फरमा दी कि अब हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों का जो कबला है वो बैतुल्ला को मुकर कर दिया गया और कुरान ने यह भी वादे किया कि रसूल सलम की भी यही ख्वाहिश थी कि बैतुल्ला को ही कबला मुकरर किया जाए तो वैसे तो ये बात वाजी रही कि हरत आदम आलाम से लेकर जितने भी अम्बिया आए इवन के हरत मूसा आलाम के बारे में भी रिवायात में मिलता है उनका किबला था खाना काबाई था दरमियान में बनी इसराइल ने अपना कोई इश्तिहाद लड़ाया उनके दीन में जो तहरीफा हुई उन तहरीफात में से एक तारीफ ये थी कि उन्होंने मस्जिद अक्सा को यानी जो सखरा था जो चटान थी उसको उन्होंने अपना किबला बना लिया वरना तो उनकी शरीयत में भी उनका किबला जो है वह बैतुल्ला ही था इस पर मुफसल गुफ्तु हमने अपने एक रिसर्च आर्टिकल में भी की है और वैसे इबन कैम की भी गुफ्तु अच्छी है इस हवाले से और तफसीर तबरी में भी इस हवाले से अच्छे अकवाल है साहबा के तो गोया जो किबला हजरत आदमी से चला आ रहा था वो किबला जो हज़रत इब्राहिम तामीर किया था उसी किबले की तरफ मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि अब आप अपना रुख करके नमाज पढ़ा करो रसूल का चूंकि मामला ये था कि जिन मामला में वही नाजिल नहीं होती थी तो आप ये देखते थे कि यहूदी उसमें क्या अमल कर रहे हैं उसकी वजह यह होती थी कि उनके पास चूंकि तो थी उनके पास चूंकि पिछले अंबिया की रहनुमाई थी तो कोशिश करते थे कि इसके कि इसके अपनी राय पर अमल करें आप ये समझते हुए कि पिछले अंबिया के ऊपर ये वही में नाजिलशुदा ये हुक्म होगा जिसको यहूदी फॉलो कर रहे हैं तो आप इसलिए उसको फॉलो कर लिया करते थे लेकिन बहर तो मजीद ने जो है वो बैतुलहराम को हमेशा हमेश के लिए मस्जिद हराम को किबला बना दिया और मुसलमानों को हुक्म दिया कि जहां पे भी वो हों अब मस्जिद हराम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ेंगे दूसरी जो एक अहम आयत पहले रुकू के अंदर हमें मिलती है वो है मुसलमानों की दावत और तबलीग के हवाले से जो जिम्मेदारी है वो मुसलमानों को कहा गया कि वकदालिका को मम्म वसत शहद उम्मत, हमने तुमको एक उम्मत बनाया, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ व यकून रसूल शहीदा और रसूल तुम पर गवाह बने तो रिवायात में हमें मिलता है कि इसमें खास तौर पर आखरत की गवाही मुराद है। आखरत में जब अम्बिया को खड़ा किया जाएगा और उनकी कौमों को भी और अल्लाह अल्लाहल अम्बिया से पूछेंगे कि क्या तुमने मेरा पैगाम मेरा मैसेज जो है वो इन कौमों तक पहुंचा दिया था यानी अपनी कौमों तक तो उस वक़्त जो है वो अम्बिया यही कहेंगे अल्लाह से वजल हमने तो अपना पैगाम जो है वो पहुंचा दिया था आपका पैगाम अपनी कौमों तक तो अल्लाह वजल ये फरमाएंगे कि तुम्हारे पास इसकी गवाही क्या है तो उस वक़्त ये उम्मत ये गवाही देगी यानी उम्मत उम्मतिया तमाम अंबिया के हक हाँ में गवाही देगी कि अल्लाह अल्लाहल इन अम्बिया ने अपना मैसेज अपना पैगाम अपने तक पहुँचा दिया था तो ये है कि तुम गवाही दोगे लोगों के खिलाफ एक गवाही तो ये इस माने में भी है और दूसरा इस माने में भी है कि क्यामत वाले दिन ज़हरी बात है कि अब जो नान मुस्लिम हैं तकरीबन कोई साढ़े छः अरब के करीब क्यामत वाले दिन ये कह सकते हैं कि हम तक तो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम नहीं पहुँचा तो उस वक़्त जो है ये उम्मत गवाही देगी कि नहीं हमने ये पैगाम पहुँचा दिया था अल्लाह का पैगाम अल्लाह के रसूल का पैगाम कुरान का मैसेज हमने गैर मुस्लिमों तक पहुँचा दिया था और रसूल इस उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे यानी इससे मुराद क्या है कि रसूल ये कहेंगे कि अल्लाह तला मैंने आपका पैगाम तक पहुँचा दिया था अब आगे इनकी जिम्मेदारी थी

जब एक उम्मत के ऊपर किसी भी नबी की कौम के ऊपर ज़रा वक़्त गुजरता है तो वो उम्मत जो है वो जवाहिर को बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देती है ज़ाहिर को जैसे एक इबादत है इबादत का एक ज़ाहरी स्ट्रक्चर है लेकिन इबादत का एक मकसद भी है ना एक उसका ऑब्जेक्टिव है एक उसकी स्पिरिट है एक उसकी रूह है तो यहूद में भी यही हुआ कि ज़ाहिर शरीयत को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे बाल की खाल उतारते थे लेकिन ये है कि जो शरीयत का मकसद था उस इबादत से वो मकासद ऑब्जेक्टिव वो सारे फोत हो रहे थे तो अल्लाह सल ने यहाँ उसी तरफ जो है वो तो दिलाई और कहा कि वाले कुल वालिकल हुआ मुवलिया। देखो यहूद के साथ इस मामले में झगड़ा ना करवाया मुसलमानों यहूद मुसलमानों को ताना भी दे रहे थे कह रहे थे कि साढ़े सोलह माह जो तुमने हमारे किबले की तरफ नमाजें पढ़ी हैं उनका क्या होगा अगर तुम्हारा किबला बेतुल्ला था तो वो तो नमाजें तुम्हारी जाया आ गई या ये वो इस किस्म के तानो तशनी कर रहे थे तो अल्लाह जबल ने कहा कि यहूद का एक किबला है ईसाइयों ने अपना एक किबला बनाया हुआ है मस्जिद अक्सा के मशरकी हिस्से को तो हर एक ने अपना एक किबला बनाया है जिसकी तरह रुख करके वो अल्लाह की इबादत करता है फसता बिकुल खैरा तो ऐ मुसलमानों तुम उनसे डायरेक्शन पे मत झगड़ो ज़ाहिर पे मत झगड़ो बल्कि नेकी के काम में आगे बढ़ जाओ नेकी के काम में यानी जो रूह है ना बस नेकी करो ये अहम है मतलब नेकी का जो स्ट्रक्चर है नेकी किस तरह से करनी है उसका जहरी बात है एक ढांचा है ना उसकी हैसियत सेकेंडरी है असल हैसियत जो है प्राइमरी हैसियत किसकी है वो नेकी करने की है बस तुम नेकियों में इनसे लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश करो फिर उसके बाद बात है कि नेकी हमने सुन्नत के मुताबिक ही करनी है ये बात तो बहुत अहम है लेकिन यह है कि कहने का मकसद ये है कि अल्लाह वजल ये भी चाहते हैं कि जाहिर इतनी अहमियत इख्तियार ना कर जाए अब जैसे देखें कि हर दूसरे दर्स के अंदर जो है नमाज के जाहिर के ऊपर तो आपको लेक्चर सुनने को मिलेंगे कि नमाज की जाहिरी सुनते क्या है ठीक है देवबंद वाले, वाले अपनी बताएंगे हानफी स्कूल ऑफ वाले अपनी बताएंगे अहल तशी वाले अपनी बताएंगे लेकिन यह है कि नमाज की स्पिरिट ये भी कोई नमाज की सुन्नत है कि रसुल नमाज पढ़ते थे तो आपके सीने से जो है वो आवाज आती थी जैसे कोई हंडिया उबल रही होनी इतनी खशियत आप होती थी तो ये भी तो एक सुन्नत है ना तो वो सुनते रसूल की जिनका ताल्लुक नमाज की रूह से है तो वो में चली गई यानी अक्सर पसमंदर में चली गई ना हमारे जो है वो वह अहलम तबके ने या दाइने दीन ने भी उसकी तरफ तोज्जो नहीं की तो कुरान उसकी तरफ तोज्जो दिला रहा है कि देखो असल चीज यानी नेकी का जाहिर उसकी बहुत अहमियत है अब किबला रुख होना जहरी बात है ये एक जाहरी चीज है ना नमाज के अंदर लेकिन आम चीज क्या है खुद नेकी करना नमाज पढ़ना और नमाज के अंदर अल्लाह की तरफ तवज्जो लगाना तो नमाज जो नेकी की जो रूह है ना उसको तुम जो है वो पहले नंबर पे रखो इसके बाद जिक्र इलाही की अहमियत जो अगली आयत है हम देखते हैं कि अल्लाह फरमा सुबह फरमाें फज ए मेरे बंदो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा वश कुरूली वाला तकफरून मेरा शुक्र अदा करो और मेरी ना शुक्री ना करना तो रसूल वसलम की बात अहदीस भी हमें मिलती हैं जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह अल्लाह ताला ये फरमाते हैं यानी यह हदीसें कु है कि जब बंदा जो है वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसको याद करता हूँ और जब वो मुझे मजलिस में याद करता है मेरा बंदा तो मैं उसको उससे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ यानी फरिश्तों की मजलिस में याद करता जब मेरा बंदा जो है वो मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ जब वो मेरी तरफ जो है वो एक बालिश आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ तो गोया कि अल्लाह की तरफ से जो रिस्पॉन्स है जब बंदा जो है वो अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह की तरफ से जो बंदे को याद किया जाता है वो बढ़कर होता है यानी अल्लाह की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिलता है बंदे को वो उससे बढ़ के होता है तो फर्ज कुरून ही अजकुम अल्लाह तला कह रहे हैं कि मुझे याद रखो तो मैं भी तुम्हें याद रखूंगा यानी तुम मुश्किल में मुझे याद रखो या तुम आसानी में मुझे याद रखो तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी मुश्किल में जो है वो याद रखूंगा यानी अब जहरी बात है अल्लाह की तो कोई मुश्किल नहीं है ना इससे मुराद क्या कि अल्लाह के बंदे जो है वो मुश्किल में है इससे मुराद क्या है कि अल्लाह का दीन मुश्किल में है तो तुम अल्लाह की दीन की नुसरत करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे याद रखो अल्लाह तला याद रखेंगे तो बहुत अहमियत है कि हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह हमें याद रखे हमारी मुश्किल में आजमाइशों में तो हमें अल्लाह को याद रखना चाहिए तीसरा जो रुकू है उसमें एक अहम आयत सबर की अहमियत और फजीलत से मुतालिक है और कहा गया कि अहले ईमान नमाज के जरिए और सबर के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करो यानी सबर करने से तुम्हें अल्लाह की मदद हासिल हो जाती है इन अल्लाह मासबरीन अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है यानी अल्लाह ताला का साथ नसीब हो जाता है सबर करने वालों को तो सबर इतनी बड़ी बात है यही रसूल रसोसम ने इसको इस तरह से कहा ना कि जो सबर करना चाहेगा अल्लाह ताला उसको सबर दे देगा तो ये मुराद है तो गोया सबर एक टूल है जिसके जरिए हम अल्लाह की मदद हासिल कर सकते हैं यानी अल्लाह की मद आजमाइश में हम चाहते हैं कि अल्लाह अल्ला की मदद हमारे साथ रहे तो फिर हमें सबर का रवैया इख्तियार करना चाहिए अगर सबर का रवैया हम इख्तियार करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह की मदद से वो आजमाइश हमारे लिए आजमाइश नहीं रह जाएगी मतलब वो बहुत आसानी से जैसे जो है ना गुजर जाएगा जैसे उसे पता भी नहीं चलेगा दूसरी बात जो अल्लाह की है वो क्या की है कि जो अल्लाह के रस्ते में शहीद हो जाए उनको मुर्दा मत कहो भलाम तलुफी सबी है जो अल्लाह के रस्ते में शहीद हो जाए उनको मुर्दा मत कहो बल बल्कि वो जिंदा है तो मुराद क्या है उनकी बरजी हया जैसा कि मुसनद अहमद की रवायत है कि ये जो शहीद है अल्लाह के रस्ते में शहीद हो जाते हैं इनकी रूहे अल्लाह तेज छोटे छोटे परिंदों के जन्नत में चढ़ती चुकती हैं और शाम अल्लाह के अर्श के नीचे गुजरती हैं वहां पे है। और अल्लाह तआला इनको रोजाना झांक के पूछते हैं क्या मेरे बंदों कुछ और भी चाहिए तो ये गोया के मुराद है कि शहीद जो है ना शहीद और वो उसकी बर्जह हयात है मतलब जन्नत के अंदर जो है वो खाता पीता है जैसे अल्लाह के रसूल सल्लम के अपने बाहबा के हवाले से इर्शादात हैं उनके दो बाजू कट गए थे तो आपने कहा उनको अल्लाह ताला ने दो पर दिए तो जन्नत में उड़ते फिरते हैं। तो इसी तरह आगे अल्लाह ने वही सब्र के को बयान करती हुए फरमाया कि हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे कभी खौफ से कभी भूख से कभी जो है वो तुम्हारे माल में कोई नुकसान हो जाएगा कभी तुम्हारी जान में कोई बीमारी आ जाएगी कभी तुम्हारी जो फल है कोई फसल है कोई अनाज है कोई गल्ला है उसमें कोई नुकसान हो जाएगा जैसे इंसान के कैरियर का नुकसान हो जाना बहुत मेहनत की है उसकी मेहनत का जाया हो जाना ये भी जो है वो फल जिसे हम रिजल्ट भी कह सकते हैं उसका नुकसान वो भी मुराद हो सकता है तो अब देखिए ना खौफ तो है जैसे दुश्मन का खौफ है और बहुत सारी चीजों का खौफ है इंसान को लाक होता है भूख है भूख का डर है खौफ है इसी तरह से जो है वो मुलाजमत रोजगार का डर और खौफ है माल के अंदर नुकसान हो जाता है अल्लाह ना करे कुछ एक्सीडेंट हो जाए कोई बीमारी आ जाती है घर ये सब अल्लाह कह रहे हैं हम लाजमन तुम्हारी आजमाइश करेंगे अल्लाह ने भेजा ही दुनिया में आजमाइश के लिए तो ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया में इंसान आए और उसकी आजमाइश ना हो अल्लाह ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बन्दे हैं जब उन आजमाइश आती है तो उनका रवैया क्या होता है मुसीबत राज तो जब उन्हें कोई मुसीबत कोई आजमाइश पड़ती है तो वो कहते हैं कि हम भी अल्लाह ही के हैं हम भी अल्लाह का ही माल है हमने भी अल्लाह की तरफ जाना है और हम ही अल्लाह की तरफ जा रहे हैं तो गोया कि अगर कोई माल जो है वो उनके हाथ से निकल जाता है कोई चीज़ मिलने वाली होती है उनको नहीं मिलती तो वो उस पर सबर का रवैया अख्तियार करते हैं और वो उस सबर से क्या होता है कि उनके अंदर वो बेचैनी पैदा नहीं होती कि जो उनको जो है वो मुख्तलफ किस्म के नफसियाती मसाइल में मुब्तला कर तो कोई बात रसलम ने फरमाया जो सबर करना चाहेगा अल्लाह उसको सबर अता कर देते हैं लेकिन जो ही ना करना चाहे तो अल्लाह तला उसको क्या सबर देंगे बात है फिर वो परेशान ही रहेगा और अगर वो बेसब्री करे तो क्या बेसब्री से उसका मसला हल हो जाता है तो बेसब्री से उसका मसला हल नहीं होता जितनी मर्जी बेसब्री कर ले जितना मर्जी अल्लाह का इनकार कर ले कुफ्र ले ना शुक्री कर ले एक चीज उसे नहीं मिलनी ना मिलने वाली है तो ना शुक्री से कुफर से वो मिलेगी नहीं या तो उसको मिल जाए ना तो इसलिए दोनों सूरतों में यानी तकदीर में अगर कोई चीज लिखी है तो उसको मिल के रहनी है नहीं लिखी तो उसे नहीं मिलनी है। तो जो आजमाइश अल्लाह ने तकदीर में लिखी है उसको पहुंच के रहनी है तो जो सबर करने वाले हैं तो वो उस आजमाइश के बदले में आखिरत में अजर पा लेते हैं जो सबर करने वाले नहीं है उनके लिए दुनिया में भी आजमाइश है और आखिरत में क्या है फिर वो बेसब्री अगर कुफर तक पहुंच जाती है तो आखिरत में पकड़ है उसके ऊपर जो है वो मुआवजा है और वो बहुत सख्त मुआवजा है इसके बाद अगले रुकू में अल्लाह अल्लासल ने शर की एक खास किस्म का तस्करा किया है जिसे हम मोहब्बत का शर कह सकते हैं मोहब्बत का शर फरमा से कुछ लोगों ने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिए और वो अब उन शरीकों से जो उन्होंने अल्लाह के पार्टनर बना लिए हैं वो उनसे ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए तो अल्लाह तला ये कहते हैं कि अगर किसी इंसान की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाएगी तो तुमने मोहब्बत में उसको अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया तो ये 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 दुरुस्त नहीं है एक तो ये है ना कि इबादत में किसी को अल्लाह के साथ शरीक ठहराना एक है मोहब्बत में भी अल्लाह ताला इसको भी पसंद नहीं करते कि अल्लाह जैसी मोहब्बत जो है वो की जाए और इनसे अगली जो आयात है ये जो आयत है इस आयत से अगली आयात आप देखें तो वो आयात वाजी इशारा कर रही है कि ये मोहब्बत आमतौर पर किन से पैदा होती है लीडर से जो दुनिया में लीडर्स होते हैं खास तौर पे जैसे मजहबी सियासी लीडर होते हैं एक डुगडगी बजाई रोटी कपड़ा और मकान पूरी कौम को पीछे लगा लिया तो अब क्या है वो कौम दीवानी हो जाती है वो मतलब जाले बन जाते हैं वो इतने उनकी मोहब्बत में जैसे वो गाली हो जाते हैं इतना गुलू करते हैं अपने लीडर्स की मोहब्बत में उनको वो गोया जैसे पूजना शुरू कर देते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए वो अल्लाह वाली मोहब्बत वो अपने उन लीडर्स को जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं सियासी रहनुमा हैं उनको देना शुरू कर देते हैं उनके लिए सब कुर्बानियां अपने जान माल अपने बीवी बच्चे सब कुछ मतलब कुर्बान कर देते हैं वो अपनी जिंदगी अपने औकात क़ार सब कुछ वो कर्बान कर देते हैं तो इसको अल्लाह तिरक करार दिया और अगली आयात में अल्लाह सुबहान ते वाजे किया है कि ये जो लीडर्स हैं ये क्यामत वाले दिन अगर जहनमुम में जा रहे होंगे तो उनके फॉलोअर्स भी इनके साथ जहनम में जाएंगे तो उस वक़्त वो फॉलोअर्स कहेंगे या अल्लाह हम तो इनसे एलान बरात जो है वो करना चाहते हैं तो लेकिन वो उस वक़्त जो है वो एलान बरात नहीं कर पाएंगे जहाँ उनका लीडर जाएगा जैसे कुरान ने एक और जगह पे कहा कि क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो है वो जो दुनिया में लीडर्स होंगे ना उनको और उनके जो योम नदनासिम बे बिइमामिहिम हर कबीले को हम उनके इमाम के साथ पुकारेंगे तो दुनिया में जो उनका लीडर था वो जिसके जिसके वो ब्लाइंड फॉलोअर थे जिससे वो मोहब्बत करने वाले थे जो उनके साथ एक टैग लग जाता है ना दुनिया में इंसान के साथ एक टैग लग जाता है ये तो फला का दीवाना है ये तो फला है, है, तो हम मतलब देखते रहते हैं कि ये सारी चीजें हमें जो है वो मिलती हैं तो ये ये बहुत खतरनाक रवैया है कि अगर किसी लीडर की मोहब्बत में इंसान जो है वो अंधा बहरा हो जाए इस तरह से कि वो अल्लाह जैसी मोहब्बत उससे करना शुरू कर दे और हक और बातिल का फर्क अल्लाह जैसी मोहब्बत से मुराद किया कि हक और बातिल का फर्क जो है वो मिट जाए तो ये बहुत खतरनाक रवैया है और ये उसको मतलब कुफर तक लेके जा सकता है इसके बाद अगली रुकू में अल्लाह वज़ल ने इस्लाम में हलाल और हराम के तस्वर को तो इस्लाम में हलाल और हराम का तस्वर बहुत अहम है कुरानी मजीद में कई मुकाम पे इसको तफसल से बयान किया गया और कहा गया कि तय बात को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया तय पाकिजा चीज बस उसको खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करा दिया उनमें चार का खास तौर पर कुरान ने नाम लेके बयान किया मईता मुर्दार जो आज खुद मर जाए वह हराम है वद्दम और खून यानी जानवर को ज़िबा करते हुए जो खून निकलता है वो भी हराम है वो भी नजरस है वह खनजीर और खासतौर पर खनजीर सूअ जिसे हम कहते हैं है, पिग वो हराम वमा उहबी और वो जानवर या वो खाना जो हो तो मतलब हलाल लेकिन यह है कि उसको जानवर को जिबा करते हुए अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए या वो खाना जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम उसकी नजर और न्याज कर दी जाए क्योंकि इबादत तो सिर्फ अल्लाह के लिए है ना तो नजर और न्याज भी इबादत है वो सिर्फ अल्लाह के लिए हाँ इसमें इख्तिलाफ हो सकता है कि जी उसने नज़र और न्याज अल्लाह के लिए मानी वो चाह रहा है कि जी फलाम को सवाब पहुंच जाए वो एक दूसरा मसला है लेकिन यह है कि अगर नज़र और न्याज अल्लाह के अलावा किसी और के लिए मानेगा ठीक है तो वो एक तरह से जो है वो खाना हराम हो जाएगा और ये अमल जो है वो शिरकिया अमल हो जाएगा तो किसी जानवर को ज़िबा करते हुए या कोई नज़र और न्याज मानते हुए अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया तो वो लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो बहुत ही मजबूर हो जिसको जान के लाले पड़े हो जिसके पास खाने को और कुछ ना हो तो वो अगर हराम में से इतना खा ले ना चाहते हुए कि जिससे उसकी जान बच जाए तो उसमें कोई गुनाह नहीं अगले रुकू के अंदर खास तौर पे उसी पसम अंदर में ये जो किबला का जो हुक्म आया था किबला की तब्दीली का तो वहां पे ये बात कही गई कि नेकी असल में क्या है कहा गया कि लई सल बरतुम केबल सिर्फ ये नहीं है कि तुम मशरक और मगरब की तरफ मुंह कर लो यानी किबला की तरफ रुख करना ये सिर्फ नेकी नहीं है नेकी क्या है अल्लाह पे ईमान लेके आना नेकी क्या है नमाज पढ़ना आगे वो तफसील से बयान किया नेकी क्या है जक़ात देना नेकी क्या है मसाकिन और यतीमों के ऊपर खर्च करना ठीक है अल्लाह के रस्से में जो है वो खर्च करना तो ये सब नेकियां हैं तो गोया वही बात कही जा रही है कि नेकी सिर्फ ये नहीं है मतलब ज़ाहिर शरीयत के ऊपर बहुत ज्यादा जोर मत दो और वो जो यूद तुम्हें कह रहे हैं कि तुम तुम्हारी डायरेक्शन पहले मस्जिद अक्सा की तरफ थी साढ़े सोलह माह तो तुम्हारी वो नमाजें क्या होगी और अब तुमने किबला की तरफ जो है वो रुख कर लिया तो नमाज पढ़ना असल नेकी है नमाज में रुख करना ये ये तो अल्लाह ने तला नीयत के लिए यूनिफॉर्मिटी के लिए जो है वो तुम्हें एक हुक्म दे दिया कि तुम किबला की तरफ जो है वो रुख करके नमाज पढ़ो तो इसलिए कुरान ने कहा कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि मशरुक और मगरिब की तरफ तुम मुंह कर लो ये सिर्फ नेकी नहीं है मतलब सिर्फ जाहिर शरीयत को नेकी मत समझ लो नेकी जो है वो असल में क्या है कि नेकी को रूह के साथ उसकी रूह उसकी असल स्पिरिट के साथ अदा करो वो असल में नेकी है जैसे कुरान ने कहा कि मिसरी नमाज में असल नेकी क्या है कि नमाज जो है वो अल्लाह की याद के साथ अदा करो यानी नमाज इस तरह से पढ़ो कि जैसे अल्लाह ताला तुम्हें नमाज के अंदर याद आ जाए या याद रहे इसके बाद अल्लाह ताला ने तूर बकरा में जैसे देखते हैं ना कि हम पहले पारे में ज्यादातर खिताब यहूद से था तो दूसरे पारे में ज्यादातर खिताब जो है वो उम्मत मुसलिमा से है पुरानी उम्मत मुसलिमा वो यहूद थे क्योंकि नब जो है वो उन्हीं के अंदर थी यानी हज़रत इब्राहिम के बेटे इसहाक़ इसहा के बेटे याकूब याकूब के बेटे यूसुफ ये सारे नबी थे फिर उसके बाद हज़त ईसा तक नबोवत बनी इसराइल में रही किताबें उनके अंदर आई तो इंजील तो इसलिए रसुल्लाम से पहले उम्मीती मुस्लिम उम्मती यहूद थी लेकिन जब रसूल आ गया तो अब उम्मीद मुसलिम जो है ये उम्मीती महम्मदिया है तो पहले जो है वो पुरानी उम्म मुसलिमा से खिताब किया उनके जरायम की फहरिस्त बयान की कि उन्होंने ये ये किया अल्लाह ने उन्हें किताब दी अल्लाह ने उनके ऊपर नबी और रसूल भेजे अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसी ऐसी नियमतें लेकिन उन्होंने अल्लाह की किताब में तारीफ़ें की नबियों को कत्ल करना शुरू कर दिया और अल्लाह के अहकाम से मुँह मोड़ लिया अल्लाह ने उनको यूं जलील किया तो अब अल्लाह ने तमत मसलिम उम्म महमदिया को बना दिया जब उम्म महमदिया को बना दिया तो अब अल्लाह ने इनको भी किताब दी इनको भी अहकाम दिए जैसे अल्लाह ताली ने यहूद को दिए थे तो अब अल्लाह उम्मत से कुछ तो अल्लाह ने लगाई हैं और वो तो अल्लाह ताला की है कि अब ये उम्मत जो है वो दीन का वो काम करे जिसका मुतालबा अल्लाह यहूदियों से किया था ऊफू बेहदी ऊफी बेहदी भाई मेरा वादा पूरा करो तो अब अल्लाह ताला, ताला ने इस उम्मत से जो वादे किए अल्लाह तला ये चाहते हैं कि ये उम्मत उन वादों को पूरा करे तो अल्लाह तला ने यहाँ पे अब दूसरे पारे के अंदर उम्म मुसलिमा से खिताब किया कि अब यहूदी जो है वो उनको उम्मत मुसलिमा के मुकाम से हटा दिया गया अब इस को उम्मत मुसलिमा के मकाम पर बिठा दिया गया अब इनसे मुतालबात इनको एक शरीय दी गई इनको एक ला दिया गया जिंदगी गया में कलेक्टर अपने अपने लाइफ में आप अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजार के दिखा दो और एक जो है वो पूरा जो है वो अल्लाह के दीन को नाफिज करके दिखा दो तो सबसे पहले जो है वो किसा के अहकाम का तस्कर अहलीमान मकतूलों के बारे में तुम पे किसास जो है वो क्या है वो फर्ज कर दिया गया तो किसास किसास का मतलब कोई अगर किसी को कत्ल कर दे तो बदले में उसको जो है वो कत्ल किया जाए तो इसको हम किसास कहते हैं इसी तरह आगे चल के ये भी फरमाया कि वालकुम फिल किसास हयात किसास तो तुम्हारे लिए जिंदगी है ए अकल वालों यानी किसास लोगे यानी एक आदमी को तुम पब्लिक प्लेस पे जो है वो उल्टा लटकाओगे जो कातिल है जो कातिल उसको उसकी तुम गर्दन उड़ाओगे तो हजारों लोगों की जिंदगी तुम बचा लोगे मतलब उससे जो एक तासुर पैदा होगा एक खौफ पैदा होगा तो अब आप देखें ना कि हमारे यहां हो क्या रहा है कि यूरोप में यूरोप में और इसके पीछे लॉजिक क्या है लॉजिक वो ये देते हैं वो कहते हैं कि पहली एक बंदा मर गया यानी कातिल ने मकतूल को मार दिया तो अब आप, आप कातिल को फांसी चढ़ाए डेथ पेनल्टी करें थी? तो उसको जो है वो आप कैपिटल पनिशमेंट दें फांसी की सजा दें एक दूसरा बंदा भी आप मार देंगे तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है तो अब ये रुझान जो है वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है ह्यूमन राइट्स की जो भी एन वगैरह है अब यूरोप के बहुत सारे ममालिक में डेथ पेनल्टी खत्म कर दी गई कि एक बंदा सो बंदों को भी मार दे तो उसको जवाब में कत्ल नहीं किया जाता बस उसको ज्यादा से ज्यादा कैद की सजा दे दी जाती है या फिर यह है कि कोई सीरियल किलर है तो आप उसको कोई साइकोलॉजिस्ट दे दें जेल के अंदर जो उसके उसकी तरबियत करना शुरू करे

खास तौर पे रोजे के अहकाम के हवाले से है सूर्य बकरा में अहकाम काफ़ी ज़्यादा बयान हुई है तो उसमें जिहाद के अहकाम हैं रोजे के अहकाम हैं हज के अहकाम हैं निका और तलाक़ के अहकाम हैं इनफाक अल्लाह के रस्ते में खर्च करने के अहकाम हैं ये हमें तफसी से मिलते हैं तो रोज़े के अहकाम में सबसे पहले रोजे का मकसद ब्या फरमाया क्या कि अल्लाह तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया है क्यों फ़र्ज किया है लालाकू ताकि तुम तो मुतकी बन जाओ यानी रोजे का असल मकसद ऑब्जेक्टिव क्या है मुतकी बनाना यानी ये कोई भूखा प्यासा रखने का जो है वो नहीं है मतलब कोई अल्लाह ताला को कोई शोक नहीं है जैसे बाद हादीस में रवायात में भी मिलता है कि अल्लाह ताला को क्या मिलेगा तुम्हारा भूखा प्यासा रहने से तो अल्लाह तैयार ये चाहते हैं कि तुम मुत्तकी बन जाओ मुत्की बनने से मुराद क्या है मुतकी बनने से मुराद ये है कि सेल्फ कंट्रोल तुम्हें हासिल हो जाए मुतकी उसी को कहते हैं ना कि जो डरता हो जो बचता हो अल्लाह की नाफरमानी से और अल्लाह की नाफरमानी से मासीत से वही बच सकता है जिसको सेल्फ कंट्रोल हासिल हो तो रोजे का मकसद क्या है रोजा तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा करेगा तो एक महीने तुम्हारी ट्रेनिंग होगी फिर ग्यारह महीने तुम्हारे लिए अपने आप को कंट्रोल करना है कि तुम अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सको तुम्हारे लिए आसान होगा दूसरी अहम बात जो इस रकूम में बयान फरमाई है वो क्या है कि रमजान और कुरान का एक बहुत अहम ताल्लुक है वो ताल्लुक अल्लाह ने इस तरह से बयान फरमाया कि रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ है एक तो ये भी बाज सीरत निगारों ने कहा है कि पहली वही जो नाजिल हुई थी इसमें खालक, तो वो रमज़ान के महीने में नाजिल हुई थी लेकिन बहरहाल उसमें इख्तलाफ तो है ये बात तो यकीन से कही जा सकती है कि कुरान मजीद पूरे का पूरा जैसे कुरान ने खुद का लोहे महफूज से यानी एक ही महफूज से दुनिया पे नाजिल हुआ है दुनिया पे नाजिल हुआ तो ये नस्बत तो है कि में नाजिल हुआ। और उसका दौर किया करते हैं बहुत सारी बातें ऐसी हैं हम जब कुरान पढ़ रहे हैं मैं अभी यहाँ पे दरस दे रहा हूँ तो ये सारी बातें अक्सर और बेशतर ऐसी होंगी जो आपने सुनी होंगी तो असल मकसद क्या है असल मकसद ये है कि कुरान के साथ हम जुड़े रहें कुरान के साथ हम वक्त गुजारें कुरान तो वही है अगली दफ़ा जो है वो आप किसी और मुद्रे से सुनेंगे तो वो भी इन आयात का ऐसा ही तर्जमा बयान करेगा तो एक तो ये चीज़ है कि इसमें हमें नहीं जाना चाहिए कि हमें कोई ज्यादा इलमियत या हमें कोई ज्यादा नुकते जो है वो मिल जाए असल चीज़ क्या है कि कुरान के साथ हमारा एक अमली ताल्लुक़ बन जाए और दूसरा ये कि हम कुरान के साथ वक्त गुजारने वाले बन जाए क्योंकि अल्लाह ताली ने क्या कहा यह नहीं कहा कुरान के आलिम को दर्जात मिलेंगे बल्कि कहा साहिब कुरान साहिब कुरान जो भी फजाइले कुरान के हवाले से हदीसें हैं वहाँ आप देखेंगे कि साहिब कुरान के अल्फाज आते हैं जो कुरान की सोहबत में रहता है कुरान के कुरान का साथ ही एक तरह से बन जाता है तो उसकी ये ये फजीलतें हैं मतलब अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे घर वाले हैं एक हदीस में ये भी है कि अल्लाह तहते हैं कि कुछ लोग मेरे घर वाले हैं तो सामने के अल्लाह के रसूल अल्लाह के घर वाले कौन हो सकते हैं के रलम ने फरमाया वो जो कि साहिब कुरान है कुरान की सोबत में रहते हैं असल चीज़ ये है कुरान के साथ वक्त गुजारना तो मतलब कुरानी मजीद वही कुरानी मजीद की आयात है आयात का तर्जमा भी वही है मैं बयान करूं दस और लोग बयान करें तो इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि जी ये आयात है ये तो मैंने पहले सुनी हुई है ये आयात है इनका तर्जमा तो मुझे पहले से ही आता है मुझे तो कोई नई नुकते नहीं मिल मिल रहे इसमें नहीं इस तरफ नहीं जाना चाहिए असल में यह है कि ये कुरान है भाई ये कुरान है कुरान को जब मैं पढ़ूंगा तो जहरी बात है वो कुरान तो वही है और उसका तर्जमा भी वही है उसके मानी और मफाहिम भी वही है बस ये है कि वो मेरे लिए याद दिहानी बनता रहता है मुझे जो है वो पालिश करता रहता है वो में, मुझे जो है वो मोटिवेट करता रहता है कि मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक भी बढ़ाता है और मुझे जो है वो नेकी की तरफ जो है वो रगबत भी दिलाता है और मुझे गुनाह से रोकने की तरफ लेके जाता है इसके बाद एक आम चीज जिसका जिक्र किया गया वो क्या है रमजान के महीने में खास तौर पर एक इबादत है दुआ की इबादत अल्लाह के रसुलसलम रमजान के महीने में रोजे का तो अहतमाम करते ही थे कुरान मजीद का भी इहतमाम करते थे कि आपने दो मरतबा जो है वो दौरा कुरान किया आखिरी रमज़ान में हरजबरील्लाम से एक मरतबा आपने हरजबरील को सुनाया एक मरतबा हर जबरील ने आपको सुनाया लेकिन दुआ का भी बहुत अहतमाम करते थे तो अल्लाह ताली यहाँ पे फरमा रहे हैं कि मेरे बंदों से कह दें कि जब वो मुझे पुकारें मुझसे दुआ करें तो उन्हें कह दें कि मैं करीब हूँ और मैं तुम्हारी दुआ को सुनता हूँ लेकिन यह है कि मेरे बंदों को चाहिए कि वो मेरी भी तो बात माने ना मतलब एक दो तरफा ताल्लुक होता है ना आपका भी कोई दोस्त जब आपको जरूरत पड़े आप उसके पास चले जाए लेकिन यह है कि जब उसको जरूरत हो तो फिर आप जो है वो साइड से होके गुजर जाए तो आप अल्लाह की तो कोई जरूरत नहीं है ना लेकिन कहने का मकसद यह है कि अल्लाह के दीन की जरूरत तो अल्लाह ताला जो है वो अपने दीन के हवाले से जब हैं तो उस वक्त तो जो है वो मुंह मोड़ के इंसान साइड से निकल जाए और जब अपनी ज़रूरत हो तो अल्लाह के पास आके लंबी चोरी दुआएं मांगना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला इसकी तरफ तोज्जो दिला रहे हैं कि इन्हें मेरे बंदों को भी तो चाहिए ना कि वो मेरी बात माने मेरे हुक्मों पर अमल करें और मेरे ऊपर और मेरे रसूल पर ईमान ले कर जब ये मुझे पुकारेंगे मैं इनकी दुआ को जो है वो क्या करूँगा कबूल करूँगा बाकी दुआ की कबूलियत की सूरतें हैं बात अल्लाह तक कबूल कर लेते हैं बाद आखरत के लिए जखीरा कर लेते हैं बाजूकतान तक बदले में किसी आजमाइश को जो है वो डाल लेते हैं अगले रुको के अंदर खास तौर पर जिहाद के अहकाम को तफसी से बयान फरमाया और जिहाद के अहकाम ने क्या कहा वक़ात रूफ़ी वलामोदी अब अब देखें कि ये इतनी बड़ी आयत है इतनी बड़ी आयत है जिहादुर किताल में मरने मराने के अंदर कौन एथिक्स का अखलाकियात का ख्याल रखता है लेकिन यह है कि आप मैदान जंग में हैं दुश्मन आपको कत्ल करने के लिए आया है आपने उसे कत्ल करने के लिए तलवार उठाई हुई है उस वक्त भी अल्लाह तला कह रहे हैं कि भाई ज्यादती ना करना ज्यादती ना करना वो वो तलवार उठाई हुई है तुम्हारी के लिए, आप नहीं ज्यादा ना करना ज्यादा और ज्यादा ने क्या फरमाया है कि मैदान जंग के अंदर तुम बच्चों को कत्ल करो बूढ़ों को कतल करो औरतों को कत्ल करो जख्मियों को कतल करो ठीक है जो अपना हथियार फेंक दे तुम उसको जो है वो कतल करो इसी तरह जो है वो लाशों का मस्ला करो उनकी शकल बिगाड़ दो या फिर उनके जो अनाज हैं गले हैं, खेत हैं उनको आग लगा दो अल्लाह के ने इन चीज़ों से मना फरमाया और कहा कि नहीं ये मैदान जंग भी, भी नहीं करना यानी वार एथिक्स जिसे हम कहते हैं जंगी अखलाकियात को आज से चौदह सौ साल पहले कुरान मजीद ने जिस तरह से उनको बयान कर दिया आज की दुनिया तो बस उनका तस्वूर ही कर सकती है मतलब जहां जहां जंगे लगी हुई हैं तो आप देखें किस तरह से धजियां जो है वो बखेरी जाती हैं मतलब जंग का कोई कानून ही नहीं है वो तो कहते हैं कि जी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं अल्लाह के दुश्मनों से जो तुमसे लड़ाई कर रहे हैं जो तुमसे जंग कर रहे हैं तुम उनसे लड़ाई करो जरूर करो लेकिन उस लड़ाई में भी तुमने ज्यादी नहीं करनी क्योंकि अल्लाह तला ज्यादा करने वालों को पसंद नहीं करता अगले रुको के अंदर हज के अहकाम तफसी से बयान हुई है और उसमें कहा गया कि मकबूल हज जो है उसकी शराब फ्रमाया मकबूल हज की शर्त क्या है कि फला वो वला जिदला फिलहसे हज के अंदर कोई बिहई का काम ना करे कोई बदनजरी ना करे या इवन के अपनी बीवी के साथ भी जहरी बात है कि कोई ताल्लुक कायम नहीं कर सकता हालत हिराम में और किसी किस्म का कोई गुनाह ना करे कोई गुनाह ना करे अब तो मतलब ये है कि हरम के सामने जो है वो आप देखते हैं कि जी फाइव स्टार सेवन स्टार होटल हैं वहाँ यहाँ से तवाफ करके आए वहाँ आए अपने रूम में और टेबल लगा ली और वहाँ सब कुछ चल रहा है नहीं ये नहीं ये ये मतलब कैसा हज है मतलब ये ये इससे हमें बचना चाहिए कि हम इतनी मेहनत करके वहां पे जाते हैं मुशक्कत उठा के, इतना पैसा लगा के जाते हैं और वहां जो है वो हम जाके यही हरकतें करते रहे ठीक है अब लोग नमाजें भी मिस कर रहे हैं और जो है वहा होटल में नमाज पढ़ ली और फिर ये वला जिदाल झगड़ा नहीं करना झगड़ा नहीं करना और वहाँ छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा हो रहा है कोई टैक्सी ड्राइवर से झगड़ा कर रहा है कोई जो है वो अभी वजू करने के लिए जो है वो वाशरूम्स में कोई लाइन लगी है तो वहां पे झगड़ा हो रहा है फला रफस उस बंदे का हज मकबूल एक्सेप्टेड है कि जो कोई भी ही का काम नहीं करेगा और कोई गुनाह का काम नहीं करेगा और कोई झगड़ा नहीं करेगा उन हज के दिनों में फिर तो इसके बाद अल्लाह सल ने दो दुआओं का जिक्र किया और कहा कि वहां जो लोग जाते हैं अल्लाह के घर में तो बाज वो हैं जो वहां जाके भी अल्लाह से सिर्फ दुनिया ही मांगते हैं रबन आते ना फिर दुनिया या अल्लाह जो देना है हमें दुनिया में ही दे दे मेरी कोई दस करोड़ की लॉटरी निकल आए हैं मतलब इस तरह से लोग तो अब अल्लाह ताला कहते हैं उनको शायद अल्लाह ताला तो दुनिया दे दे या ना दे वो तो अल्लाह की मर्जी है लेकिन आखिरत में ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं है कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में अल्लाह से डरने वाले हैं उनकी दुआ कैसे होती है या रबना आते ना फिर दुनिया हसना वसना या अल्लाह हमें दुनिया में जो है वो दुनिया की भी भलाई अता फरमा और हमें आखिरत की भी भलाई अता फरमा और हमें अल्लाह से हैं अल्ला दुनिया अल्लाह से मना नहीं किया लेकिन देखें दुआ में तरतीब ये है कि कि पहले दुनिया जो है वो, कहा है वो उसको मांग लो चलो पहले दुनिया मांग लो इसमें भी कोई हरज नहीं लेकिन अल्लाह से आखिरत भी मांगो तो ये है दुआ के अंदर एतदाल और अल्लाह से जहन्नुम से पनाह भी मांगो ये है दुआ के अंदर एतदाल तो ठीक है दुनिया की अहमियत है दुनिया इंसान की होगी तो इंसान अब इनको बचा पाएगा लेकिन यह है कि दुनिया परस्ती इंसान बन जाए आखरत नजरों से उजली हो जाए तो उसको अल्लाह ने क्या आखरत देनी है तो बाद में इस बाद की तरफ तो है कि जन्नत में जो दाखिले का रास्ता है वो क्या है आजमाइश में खास तौर पर सब्र करना है। तो बाद सहाबा कर रवायात में मिलता है अबाब आप के पास आए मक्का में खास तौर पर साहबा के राम के ऊपर बहुत तशद हजरत बिलाल पे हजरत खब्बा पे हजरत अमार बिन यासर पे आले यासिर पे। तो वो आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल अब तो बस हो गई है अब तो अल्लाह से दुआ करें कोई अजहबी इनके ऊपर नाजिल हो जाए मुश्किन उस वक्त या नाजिल हुई कि देखो बात यह है क्या तुमने गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में ऐसी ही दाखिल हो जाओगे और तुम्हारे ऊपर ऐसी अजमाइशें नहीं आएंगी जैसे पहले लोगों के ऊपर आई और उनके ऊपर ऐसी अजमायशें आई कि वो हिला मारे गए यहाँ तक कि जो पिछली कौमों में रसूल थे अलीमान थे वो आजमाइशों की वजह से ये क्या उठे अल्लाह कब आपकी मदद आएगी अल्लाह की मदद तो करीब है तो गोया कि हर कौम में ऐसी आजमाइशें आई हैं अल्लाह ताला ने तमाम अब पे ऐसी आजमाइशें भेजी हैं जो अहली ईमान थे अल्लाह ताला ने उनको सही तरह से आजमाया है यानी जब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में जो है वह दाखिल करना है तो खूब ठोक बजा के अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करना है कि हाँ भाई ये वाकता अहल है कि ये जन्नत में जाए तो अल्लाह तहक बजा के देखना है अल्लाह तो ने पिछली कौमों को भी इसी तरह से देखा और वो चीखे चिल्लाए और कहने लगे कि कब अल्लाह की मदद आएगी कब अल्लाह की मदद ना हम लोग भी फेडअप हो जाते हैं उम्मत के हालात जैसे सीरिया में बर्मा में बर्मा कश्मीर में फलस्तीन में इसी तरह से जो है वह यमन में इराक में लीबिया में हर जगह हम देखते हैं कि मुसलमान जो है वो पिस रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं या मुसलमानों के ऊपर जो आजमाइशें हैं वो खत्म ही नहीं हो रही या कुफार उनको मार रहे हैं तो ऐसे में इंसान बाजूकात बहुत परेशान हो जाता है, है आपकी मदद कब आएगी अल्लाह ताला मतलब क्यों नहीं जो है वो इन कौमों के ऊपर अपना जहाब का कोड़ा बरसा रहा इंसान तो अल्लाह कहते हैं कि ये वो वक्त होता है जब अक्सरियत मेजोरिटी जो है वो किसी कौम की इस तरह से चीखना चिल्लाना शुरू कर दे कि कब अल्लाह की मदद आएगी कब अल्लाह की मदद आएगी तब अल्लाह की मदद समझो कि अब उसका वक़्त करीब है यानी जब वो सही तरह से उनकी उसका मतलब ये होता है कि जब वो कौम चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है ना तो फिर उसका मतलब ये है कि अब हाँ अब इसकी आजमाइश हो चुकी है जितना अल्लाह ताला इसको आजमाना चाहते थे जन्नत में दाखिल होने के लिए अब उसकी उतनी आजमाइश हो चुकी है तो जन्नत में दाखिले का रास्ता जो है वो यही है आजमाइशों में सब्र करना इसके बाद अगले रुकू में खास तौर पर कुछ माशरती बुराइयों से सोशल इवल से मना किया है जैसे शराब और जुए की ममान शराब और जुआ सोशल इवल में से बहुत बड़ी माशरती बुराइयों में से हैं, बल्कि बुराइयों की जड़ है शराब तो अमुल खबाइस है मतलब बहुत सारे जो है वो गुनाहों की माँ है तो कहा गया कि इन दोनों में इन दोनों में अगरचे कुछ फायदे भी हैं फायदे भी हैं जैसे शराब में कुछ फ़ायदा क्या है कुछ सेहत क्या तो उसकी बेहतर हो जाएगी कोई गालों की सुर्खी आ जाएगी जू में क्या फायदा है जीत गया तो कोई चार पैसों का फायदा हो जाएगा लेकिन वैसम हुमा अकबर में लेकिन इनका जो नुकसान है इनका जो गुना है वो उनके फायदे से बहुत ज्यादा है तो इसलिए अल्लाह ताला ने शराब से भी मना किया और जुए से भी मना किया तो बाद लोग हो सकता है कहें कि जी इसके फवाद गिनवाना शुरू कर दें तो अल्लाह के तो बाद लोग हो सकता है कि इसके फवाद गिनवाना शुरू कर दें तो उन लोगों को कहा गया कि नहीं इनके फवाद की तरफ नजर मत डा वो फवाद बहुत कम है और इनके जो वो नुकसान हैं वो बहुत बढ़ गए हैं इसके बाद अगली आयत में औरतों से और मशरक मर्दों से निकाह करने से वो मना किया। वला के तयिन और कहा गया मुसलमानों से कि मशरक औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए और मोमिन लोंडी तुम्हारे लिए मशरक औरत से बेहतर है यानी एक मोमिन लोंडी है ना जिसका सोशल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो मोमिन है वो तोहीद के ऊपर है तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है मशरक औरत से जो कोई अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती हो और इसी तरह ये भी कहा गया वला तो उनके हुल मशरक और अपनी औरतें जो है वो मशरक मर्दों के निकाह में मत दो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए और मोमिन ग़ुलाम जो है वो किसी मर्द से बेहतर है शादियों में जो है वो इस्लाम को ईमान को यानी इन चीज़ों को जो है वो तरजीह दो तो मशरक जो है मर्द जैसे आप कह सकते हैं ना कि हिंदू हिंदू से जो है वो मुसलमान के का निकाह नहीं हो सकता है कोई मुसलमान औरत किसी हिंदू मर्द से निकाह नहीं कर सकती और कोई मुसलमान मर्द किसी हिंदू औरत से निकाह नहीं कर सकता कुरान ने उसको वाज तौर पर हराम करार दे दिया है और वैसे हमारे यहां फुकाहा का इस बात पर इतफाक भी है कि ऐसा निकाह जायज़ नहीं है बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और जो है वो जहरी बात है उसको आप क्या कहेंगे कि वो बदकारी है वो तो निकाह नहीं है अगले रुकों के अंदर चूंकि आप एक आइली जिंदगी और खास तौर पर जिंदगी का बयान शुरू हो गया तो बयान जिंदगी, जिंदगी बयान किया है कि लाइफ के लिए हकूक है बीवियों के हकूक हैं जैसा कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं ठीक है और बिलमूफ के मुताबिक ये बहुत अहम है देखिये मियाँ बीवी के जो हकूक है ना उनकी कोई लिस्ट नहीं बयान की किताब सुन्नत ने बाज़ हुकूक हैं जो किताब सुन्नत ने बयान कर दिए कि ये बीबी के हुकूक हैं ये शोर के हुकूक हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को क्या किया उर्फ उपर, 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 के ऊपर रवाज के ऊपर कस्टम के ऊपर माशरे की सोसाइटी का जो एक उर्फ होता है उसके ऊपर उनको छोड़ दिया गया तो ये बहुत अहम बात है हर चीज़ ऊपर जो है ये कहना कि जी अब आप इसको जो है वो शरीयत से दिखाएं तो ये बहुत सारे मसाइल पैदा करती है ये बात और इससे पूरा जो है वो हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो तबाह होकर रह जाता है तो कहा गया कि उन बीवियों के हुकूक हैं जैसा कि उन मर्दों के हुकूक हैं ठीक है लेकिन ये सब क्या है ये उर्फ के मुताबिक ये उर्फ़ के मुताबिक है तो अब ये कहना कि जी बीवी का बीवी के लिए कहाँ पे आया है किताबों सुन्नत में कि जी वो अपने शोहर के कपड़े धोए उसको खाना बना के दी इस किस्म की बातें करना है ये इसको है ये बेवकूफ़ी वाली बात है अगर इस तरह से आप कहेंगे कि जी बीवी के लिए नहीं आया तो शोर के लिए कहाँ पे आया है कि वो बीवी को इतना कमा के दे या उसको जो है वो घर में सप्लेट ए सी लगवा के दे या गीजर लगवा के दे या उसको जो है वो मतलब फला फला जो है वो सहूलत जो है वो घर में मैसर करे तो बात यह है कि ये सारी चीजें जो है वो उर्फ के मुताबिक चल रही होती है शोर जो है अगर आप नान नफका की बात करें तो नान नफका तो ये भी है आप फुका की तरफ जाए तो वो कहते हैं सुबह जो है वो एक मुठ गंदम उसको दे दो शाम को उसको एक मुठ गंदम दे दो तो उसका नान नफका पूरा हो जाता है बीवी का कहने का मकसद ये है कि अब नान नफके का जो तस्वुर हमारे यहाँ उर्फ से पैदा हुआ है तो शोर क्या करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं बीवी को मेड की सहूलत भी जो है वो उसको देते हैं तो अब ये सब क्या है ये सब वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये उर्फ से उर्फ से जो है वो तय होता है ना तो इसी तरह से बीवी की जिम्मेदारियां भी उर्फ से तय होती हैं अब बीवी की जब हकूक की बात आए तो आप कहें कि जी किताब सुन्नत में दिखाएं तो और दूसरी बात यह है कि बीवी की जिम्मेदारियों की बात आए तो मतलब ये इस तरह से नहीं करना चाहिए इस तरह से आदमी तोन जो है वो पैदा होगा और सोसाइटी में जो है वो बिगाड़ पैदा होगा यानी दोनों चीजों को या मियाँ बीवी दोनों के हकूक या तो आप किताबों सुन्नत से फिर लें या फिर दोनों के जो है वो आप उसमें उर्फ को भी एक सोर्स बनाए अगले रुकू में हम देखते हैं तलाक के हवाले से उसका एक तरीकेकार बयान किया गया कहा गया कि तलाक जो है ना वो क्या है एक मरतबा दी जाए एक मरतबा एक वक्त में एक ही तलाक दे अब हमारे यहाँ ये गलत फहमी है कि एक वक्त में तीन तलाके दे देते हैं और ये समझते हैं कि जब तक तीन तलाके देना तो तलाक होती नहीं है ये बहुत बड़ी गलत फहमी है एक मरतबा तलाक से औरत अलीह हो जाती है बस इद्दत के अंदर उससे रुजू ना करें यानी और तलाक भी हालत हैज़ में नहीं देनी ठीक है इसे मना किया गया है वो तलाक़े विधि है मेनसिस के अंदर तलाक देना ये जायज़ नहीं है हाँ प्रेगनेंसी में तलाक हो जाती है प्रेगनेंसी में जो है वो तलाक दे सकता है जबकि औरत हामिला हो तो तोहर की हालत में औरत को तलाक देनी है में और नफास की हालत में यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो नापाकी के दिन होते हैं उनमें औरत को तलाक नहीं देनी तोहर की हालत में जब वो पाकी के दिनों में हो और एक वक्त में एक ही तलाक देनी है पूरे होशो हवास के साथ उसके बाद थ्री टाइम पीरियड्स तीन मरतबा की जो मनसिस हैं ये इद्दत होती है इसमें रुजू कर ले तो वो उसकी बीवी है अगर रुजू ना करे तो आफ्टर जो है वो थ्री टाइम पीरियड्स उनकी सेपरेशन हो जाती है वो औरत चाहे तो आगे कहीं निकाह कर ले चाहे तो इसी शोर से दोबारा निकाह कर ले तो ये कुरान ने इस तरह से तलाक का जो है वो सही तरीका बताया कि एक वक्त में एक ही तलाक शोर को देनी चाहिए एक से ज्यादा उसे नहीं देनी चाहिए और वो भी पाकी की हालत में इसके बाद जो है वो कहा गया है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दी तो अब जहरी बात है उसके लिए हराम हो गई तो अब वो दोबारा अगर पैचअप करना चाहते हैं तो वो औरत कहीं और उसका निकाह हो जाए कहीं और किसी और मर्ज से उसका निकाह हो और वहां से उसको इतफाकन इतफाकन यानी प्री प्लान नहीं प्री प्लान जो हलाल है उसको तो अल्लाह के रसूल ने फरमाना है वो तो किराए का सांड है उससे तो मना किया तो अगर कहीं और उस औरत की शादी हो जाती है और वो शख्स दूसरा शोहर भी उसको जो है वो तलाक दे देता है तो अब वो बीवी जो है वो अपने सबका शोहर से पैचअप चाहती है तो वो आपस में निकाह कर सकते हैं इसमें हर्ज नहीं इसी तरह ऐसी रुकों के अंदर खास तौर पे कहा गया कि बाज़ मर्द ऐसे भी करते हैं कि बीवियों को तलाक नहीं देते उनको तंग करने के लिए तो इससे जो है वो अल्लाह ताला ने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं करो अगर किसी के साथ तुम्हारी नहीं बनती तो तुम उसको क्या करो अच्छे तो 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 तरीके से फ़ार कर दो तो कुरान तो ने कहा है कि सरना बेमाफ अच्छे तरीके से फार करो तो मतलब ये नहीं कि फ़ार करते हुए सेपरेशन के वक्त भी हमारे यहाँ बहुत चक चक होती है जहेज के झगड़े जो है वो खड़े हो जाते हैं सामान के झगड़े खड़े हो जाते हैं एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा जिज करने की कोशिश की जाती है तो कुरान ने कहा कि नहीं जिसके अंदर अल्लाह का डर है तो उसे सेपरेशन के वक्त जो है उस वक्त भी अल्लाह से डरना चाहिए और वही वक्त होता है अल्लाह से डरने का इसी तरह ये भी अरबों के अंदर एक मतलब माशरती बुराई थी कि अगर किसी शोर ने अपनी बीवी को जो है वो एक तलाक दे दी तो अब वो दोबारा जो है वो उससे निकाह करना चाहता है एक तलाक दे दी अब इधर गुजर गई उसकी सेपरेशन हो गई तो अब वो दोनों मियाँ बीवी आपस में दोबारा निकाह करना चाहते हैं तो अब जो बीवी के लड़की के घर वाले होते हैं वो दरम्यान में रुकावट बनते हैं तो अल्लाह ताला ने इससे मना किया है कि नहीं ये रुकावट ना बना करो आ, ये अच्छा नहीं है इसके बाद अगली आयत में औलाद के हवाले से बच्चों के हवाले से खास तौर पर कहा गया कि माएँ जो है वो अपने बच्चों को दो साल तक जो है वो दूध पिलाएं तो ये दो साल जो है वो इंतहाई मुद्दत है बच्चों को दूध पिलाने की अगर कोई इससे पहले जो है वो बाहमी रजामंदी से छुड़वाना चाहे तो छुड़वा सकते हैं उसमें कोई हरज नहीं लेकिन दोनों यानी मियाँ बीवी दोनों राजी हों फीड है ये बहुत जरूरी है बच्चे के लिए आज मतलब मेडिकली भी जो है वो इसको बहुत ज्यादा सजेस्ट किया जाता है अगले लोगों के अंदर खास तौर पे नमाजों की हिफाजत के हवाले से और असर की नमाज व अब वस्ता नमाजों की हिफाजत करो और खास तौर पे असर की नमाज की हिफाजत और अल्लाह के सामने जब खड़े हो तो अदब से खड़े हो बुरे मतलब खुशू और खुजू के साथ ना ये नहीं कि जैसे एक रवायत में है कि एक आदमी नमाज में खड़ा था दाढ़ी से खेल रहा था तो अल्लाह के रसूल ने कहा इसके दिल में अल्लाह का डर होता है तो इसके हाथ हाथों में भी और इसके बदन में भी इसके अज़ा और जवारे में भी नज़र आता तो ये बहुत ज़रूरी है नमाज में जब खड़े हों तो पूरे अदब और एहतराम के साथ जो है वो खड़े हों तो नमाज़ की हिफाजत और खास तौर पर दरमिया नमाज यानी असर की नमाज और अल्लाह के रसूल की एक हदीस भी है कि जिसकी असर की नमाज ज़ाय हो गई तो समझे उसका माल इसबाब सब कुछ लुट गया यानी ये इतना बड़ा नुकसान है एक असर की नमाज का ज़ाया हो जाना जैसे उसका तमाम माल वब जो है वो लुट जाए तो ये इतना बड़ा नुकसान इसके बाद अगली रुकू में खास तौर पर अल्लाह को अल्लाह के रस्ते में खर्च करने के हवाले से तो एक अंदाज इख्तियार किया गया कि देखो अल्लाह के रस्ते में खर्च करने से अगर तुम्हारा दिल घबराता है बात है माल की मोहब्बत है इंसान के दिल में इंसान का दिल जो है वो कम तो पड़ जाता है जब उस खर्च करने की बारी आती है दूसरे के ऊपर तो वो ये सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत से कमाया अपने लिए अपनी बीवी बच्चों के लिए तो मैं कैसे दूसरों के ऊपर खर्च करूँ तो ताला ने कहा फिर अल्लाह को कर्जी दे दिया करो यानी अल्लाह को कर्ज समझ के दे दू क्यामत वाले दिन अल्लाह से वापस ले लेना तो कहा कि कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज देगा और अल्लाह अल्ला उस कर्ज को उतना नहीं है जितना तुम है, जो गरीब को दे रहे हो ना समझो वो तुमने अल्लाह को कर्ज दे दिया और अल्लाह अल्ला वो कर्ज तुम्हारा कई गुना बढ़ा चढ़ा के आयामत वाले दिन यानी अल्लाह से मांग लेना तो गोया कि इस तरह से अपनी सोच बदलो और अल्लाह के रस्ते में खर्च करो और अल्लाह ते जो रिज को कुशादा करता है और रिज को तंग करता है इसके बाद अगले रुकव में आप इसी रुक इसके बाद इसी रुकू के अंदर अल्लाह अल्लाजल ने खास तौर पे मुसलमानों का जो हुक्मरान है उसकी बुनियादी अहलीत को बयान फरमाया है कि बनी इसराइल के अंदर हजरत आलूद को जो है आ, ये हजरत दाऊद इस्लाम से पहले थे हजरत दाऊद का जो जमाना बनता है हजरत दाऊद के बेटे थे हजरत सलेमान दोनों का जो ज़माना बनता है वो एक हज़ार कबल मसीह है तो हजरत आलूद का ज़माना कोई ग्यारह सौ कबल मसीह बन जाता है तो हजरत हैतलूद को जो है वो अल्लाह ताली ने बनी इसराइल का

तो बहर अब ये सब चीजें जो है वो हमें नज़र आती हैं मतलब सोसाइटी में ये सब कुछ जो है वो मत मुसलमान के मुख्तिक के जोरान हैं उनको आप देखें तो वो मतलब सोसाइटी के रजील तरीन लोग हैं कमीने तरीने लोग हैं जो कि इस वक्त हुक्मरानी में आगे हैं और सियासत में वही लोग हैं जो कि आगे हैं जो कौम के मतलब जो बिल्कुल जो है वो रेखा और इस किस्म का जो है वह आप कह लें कि जी माल है तो अल्लाह ताला ने ये बात यहाँ पे कही कि देखो बाद मुसलमानों का हुक्मरान बनने की दो बुनियादी जो है वो अहलियतें और वो क्या बसतन कह बस इल्मे वाल जिस्म। एक तो उसके पास इल्म होना चाहिए खास तौर पर दीन का नॉलेज और इसी तरह से दुनिया का इल्म भी दुनिया का इल्म भी बहुत जरूरी है मौलाना अशरफ वली था के बारे में आता है कि किसी ने उनको कहा कि आप सियासत में क्यों नहीं आते तो उन्होंने कहा बात यह कि भाई सारी जिंदगी हमने खानकाहें चलाई हैं मदरसे में बैठे हैं तो फतवे दिए हमने तो सियासत तो जो है हमने की नहीं है तो हम अगर इस तरह से सियासत में आ जाएंगे तो बहुत गलतियां करेंगे तो ये बहुत अहम बात उन्होंने की है कि असल में ये है कि ये जो हुक्मरान है उसके लिए सिर्फ दुनिया का इल्म नहीं बल्कि उसके मतलब सॉरी उसके लिए सिर्फ दीन का इल्म नहीं बल्कि दुनिया का इल्म होना भी बहुत जरूरी है खासतौर पर सियासत शरीय का इल्म उसकी प्रैक्टिस उसके पास होनी चाहिए वल जिस्म और इसी तरह जो है वो तालुक जो है वो जिसमें भी जो है जिसमानी एतबार से भी बहुत कवि थे बहुत मजबूत थे तो अल्लाह ये दो हैं, इल्म। और इसी तरह से जो है वो जिसमानी तौर पे मजबूत और कवि होना एक खलीफा के लिए इसके बाद खैर तस्करा है आखिरी रुकू में तीसरे पारी के आखिरी रकू है सतरवा रुकू हरत आलूत इस्लाम जो है वह बनी इसराइल के बादशाह बन गए और दूसरी तरफ मुशरक कौम थी जो बनी इसराइल के साथ यहाँ लड़ाई कर रही थी जो उस वक़्त की उम्मत मुसलिमा थी तो अब अल्लाह ताला ने जो है वो बनी इसराइल की आजमाइश की रास्ते में एक नहर पड़ती थी तो काफी जो है वो चल के वो आ रहे थे और उनको प्यास भी लगी हुई थी तो उनको कहा गया कि अब तुमने इस नहर से थोड़ा सा पानी पी। अगर तुमने ज्यादा पानी पिया तो फिर जो है तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं लेकिन अक्सरियत ने जो है वो चूंकि प्यासे थे तो वो जैसी नहर के ऊपर गिर पड़े हैं और पेट भर के पानी पी लिया अब पेट भर के पानी पीने का नुकसान क्या हुआ दुश्मन के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते और कहने क्या लगे ताक़ा तभीूदी याद तो हमूद के जो है सामना नहीं कर सकते जालूद मशरकों का जो है वो सरदार था बादशाह था लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा पानी पिया था चुल्लू भर पानी पिया था तो वो मैदानी जंग के अंदर डटे रहे और उनकी वजह से अल्लाह तेर इस पूरी कौम को बनी इसराइल को अल्लाह त्या है फते की मशरकों के ऊपर भारत आलूत ने जो है वो फतेह पाई जालूद के ऊपर और हरत तालूद के लश्कर में हरत दाऊद भी थे जिन्होंने जालूद को कत्ल कर दिया था इसलिए तालुद के बाद हर जालूद बादशाह बने और दाऊद के बाद जो है वो फिर उनके बेटे सलमान बनी इसराइल के बादशाह बने और अल्लाह ताला ने उन दोनों को नबूवत भी अता फरमाई तो आखिरी जो अः आयत है इस पारे की वो तारीख के असूल को बयान कर रही है ये बहुत अहम चीज है कि तारीख जो है वो किस बुनियाद पर आगे बढ़ती है क्या प्रिंसिपल्स हैं ये तहजीबें क्यों आ, मतलब तबाह हो जाती हैं इतनी बड़ी बड़ी तहजीबें दुनिया में पैदा हुई ग्रीक से आज दुनिया में उनका नाम नहीं मिलता फिर रोमन एम्पायर थी आज दुनिया की हस्ती से सफाई हस्ती से वो मिटा दिए गए फिर अमेरिकन फिर रशियन आए अब वो पसम मंजर में चले गए अमेरिकन है चाइनीज है तो ये तहजीबें जो है वो क्यों तबाह बर्बाद हो जाती हैं तो देखिए हिस्ट्री को लोगों ने तरह से देखा है अब हैगल ने एक और तरह से देखा है डायलैक्टिकल मटीरियल फिलसफी थी फिर उसके बाद काल मार्क्स ने उसको आगे बढ़ाया तो वो तो कहते हैं कि मादी अतबार से ये तारीख जो है वो आगे बढ़ रही है ठीक है या थीसिस था उसका एंटी थीसिस आया फिर बना ये हुआ फला हुआ कुरान क्या कहता है कुरान ये कहता है कि तारीख को आगे जो है वो अल्लाह ताला बढ़ा रहा है और एक खास मकसद के तहत आगे अल्लाह ताला बढ़ा रहा है अल्लाह ताला ने प्लान किया है पूरी तकदीर लिख रखी है इस तरह से अल्लाह ने दुनिया को चलाना है और अल्लाह ताला तो उसके मुताबिक इस दुनिया को चला रहे हैं तो उसमें एक आम चीज़ अल्लाह ताला ने क्या कहा है मतलब देखे ना कि तारीख को पढ़ने के जितने भी जाविया है हाँ निगाह बेस्ट में पैदा हुई है मगरब में पैदा हुई है उन सब में क्या है मटेरियलिज्म है पीछे वहाँ तो अल्लाह का कोई फैक्टर मौजूद ही नहीं है कि कोई डिवाइन एलिमेंट पीछे मौजूद है जिसकी वजह से क्या हरकत कर रही है वो तो जो उसका इसका ये नजरिया इर्तका था डर का उसी थेरी को उन्होंने अपने हर सब्जेक्ट में अपने हर मजमून में लगाने की कोशिश की है वो उन्होंने तारीख में भी लगा दिया इरतका का नजरिया जो है लेकिन अल्लाह तला क्या कहते हैं वलोफा बिबाज अल्लाह तै है वो क्या करता है मों को जो है वो वक्ता फवक्ता इस दुनिया से मलिया मेट करता रहता है ताकि ये सारी ज़मीन जो है वो फसाद से भर ना जाए तो मतलब ालिम जो है वो एक वक्त में पावर में आ जाते हैं ठीक है उनको शानो शौकत मिल जाती है फिर अल्लाह ताला का कोई अजाब का कोड़ा बरसता है और अल्लाह ताला उनको थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं ताकि थोड़ा सा जो है दुनिया में तोज़ुन पैदा हो और एहली ईमान थोड़ा सा जो है वो ऊपर आ जाए ताकि ये दुनिया चलती रहे ये ना हो कि ये दुनिया जो है वो सिर्फ झालमीन से बढ़ जाए और इसमें फसा आदि बर्पा हो जाए अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि ये खैर और शर दोनों जो है खैर और शर का मार्क है ना ये दुनिया दोनों जो है वो यहाँ पे एक तोजुन के साथ जो है वो मौजूद रहे ठीक है कभी खैर गालिब आ जाए कभी शर गालिब आ जाए तो अल्लाह ताला इसी उसूल इसी प्रिंसिपल के ऊपर इस दुनिया को चला रहे हैं और इसमें अल्लाह ताला इंटरवीन कर रहे हैं यानी अल्लाह ताला इसके अंदर जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं तो ये ये बहुत अहम है कि तारीख जो है तारीख का जो कुरानी नुक़ः नज़र है उसको इस हवाले से और भी कुरानी मजीद के मुख्तफ आयात अगले पारों में आएंगी तो हम उसको देखेंगे तो बहरहाल ये दूसरे पहाड़े के हवाले से चंद चीदा चीदा आयात थी जिनका कोई मुख्तसर तरजों और तश्ीर जो है वो आप के सामने रखी गई है बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तला मुझे भी और आप सब को भी जो बातें कही है सुनेंगे इन पे अमल की तोफ़ी अदा फरमाए और हमें कुरान के साथ एक अच्छा ताल्लुक नसीब फरमाए और हम उन लोगों में से बन जाए कि जिनके बारे में हदीस में कहा गया कि ये अबरन है ये क़ुरान के साथ थी सदक अल्लाह